Assalamualaikum, my name is Mikara Hashmi. I am a physiotherapist. Welcome back to our YouTube channel, MH Physiotherapist. आज मैं आपको ब्रैकेट के लिए, जिसे लाइक कमर का दर्द कहा जाता है, घर में करने के लिए ऐसी वर्जिशें बताऊंगी जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप एक हफ्ता में सुबह दोपहर शाम प्रॉपर करते हैं तो आपको हफ्ते के बाद कमर के दर्द में बहुत फर्क महसूस होगा, जिसका प्लान मैं आपको अभी बताती हूँ करके। सबसे पहले एंकल पंपिंग, इसमें जो पांव की उंगलियां हैं उनको अपनी तरफ खींचना है और फिर रिलैक्स करना है। इस तरह से फिर से खींचना है और फिर रिलैक्स करना है। इसको 10 दफा रिपीट करना है इस वर्जिश को, ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी टॉवल ले लेना है फोल्ड करके, या फिर कोई बेडशीट वगैरह, उसको घुटनों के नीचे रखना है वन बाय वन और उसको प्रेस करना है। छोड़ दे, फिर से छोड़ दे, फिर से छोड़ दे। इसी तरह से फिर दूसरी टांग के नीचे, छोड़ दे, फिर से छोड़ दे, फिर से छोड़ दे। अब टांगों को इकट्ठा करना है और आप घर में कोई दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं या कोई इस तरह का फ्लेक्सिबल थेरा बैंड भी यूज कर सकते हैं। टांगों को खोलना है इस तरह से, फिर वापस, फिर से वापस, रिलैक्स अगेन, फिर से वापस, रिलैक्स अगेन। इस वर्जिश को भी 10 दफा रिपीट करना है। इसके बाद दोनों पाओं के साथ बेड को नीचे प्रेस करना है, दोनों पाओं के साथ बेड को प्रेस करना है अपने इन मसल्स को टाइट करके, इन मसल्स को टाइट करके दोनों पाओं के साथ बेड को प्रेस करना है। इसको भी 10 दफा रिपीट करना है वर्जिश को, ठीक है। इसके बाद कमर ऊपर उठानी है, जिसे ब्रिजिंग भी कहा जाता है। दोनों हाथों के साथ बेड पर या सपोर्ट ले लेनी है और कमर को बेड से ऊपर उठाना है, होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए और फिर से रिलैक्स करना है। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। इसको भी 10 दफा रिपीट करना है। इसके बाद नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है, थोड़े 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है, सांस नाक से लेकर 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है और फिर सांस को बाहर निकाल देना है, एक्सहेल करना है। भी 10 दफा रिपीट करना है। इसके बाद नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है, थोड़े 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है, सांस नाक से लेकर 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है और फिर सांस को बाहर निकाल देना है, एक्सहेल करना है। लाइक दिस, फिर से नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है 30 सेकंड होल्ड करने के बाद। इसको भी 10 दफा रिपीट करना है। लास्ट में टांग सीधी करनी है, वन बाय वन घुटने को सीने के साथ लगाना है, नी टू चेस्ट मूवमेंट करनी है इस तरह से। इसको भी 30 सेकंड के लिए रोक के रखना है। देन रिलैक्स, अब दूसरी टांग को 30 सेकंड होल्ड के साथ 5 टाइम्स एक टांग को करना है और 5 टाइम्स दूसरी टांग। ठीक है, ये
कमर के दर्द के लिए ये कुछ मुफीद वर्जिशें थी जिन्हें आप घर में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।